प्यारे बच्चों, अब हम उदाहरण एक पर बात करने जा रहे हैं। इस उदाहरण में हमारे सामने एक आकृति दी हुई है। आप देख रहे हैं, इस शीट पर हमने अलग से उसे बनाया है। यहाँ आपको दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे होंगे, ए ओ बी और डी ओ सी। इन दोनों त्रिभुजों के लिए हमें दिया हुआ है कि ओ ए बराबर ओ डी, यानी ओ ए बराबर ओ डी, और दूसरी चीज दी हुई है ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये भुजा ओ बी बराबर है दूसरी भुजा ओ सी के। इन दो जानकारियों के आधार पर हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के। तो ये हमें सिद्ध करना है। और एक चीज और सिद्ध करनी है, वो ये है कि ए बी समानांतर है सी डी के, यानी ये जो आप रेखाखंड ए बी देख रहे हैं वो इस रेखाखंड सी डी के समानांतर है। ये दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज इस तरह से बने हैं कि रेखा ए डी और सी बी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही हैं, और ए बी और सी डी को क्रमशः मिलाया गया तब ये आकृति बन रही है। ऐसी परिस्थिति में अब हमें इन जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ना है। तो जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहली बात तो हम जिन त्रिभुजों के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें हम लिख लें। त्रिभुज ए ओ बी, इस त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी। इसमें हम देखेंगे जो बातें दी हुई है उसे हम पहले लिख लें। हमें दिया हुआ है ओ बी बराबर ओ डी, हमें दिया हुआ है ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी। इसे हम लिखें ओ ए बराबर ओ डी, और दूसरी चीज दी हुई है ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। यह भी हम लिख लें ओ बी बराबर ओ सी। ये जो दो सूचनाएं हमें दी थी उसे हमने लिख लिया है यहां पर। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों में एक और ऐसी चीज ढूंढनी है जिसके आधार पर हम इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। आप देखिए, चूंकि ये रेखाखंड ए डी और बी सी एक दूसरे को काट रही हैं बिंदु ओ पर, इससे ये जो दो कोण बन रहे हैं, पहले वाले त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ यानी कोण ए ओ बी, और दूसरे त्रिभुज का कोण डी ओ सी, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है और इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो हम इस बात को लिख लें, हम लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर दूसरे त्रिभुज का कोण, इसे हम पढ़ेंगे डी ओ सी, डी ओ सी ये शीर्षाभिमुख कोण है। और इसलिए ये बराबर है। अब आपने देखा कि पहले त्रिभुज का ये कोण और उस कोण को बनाने वाली भुजा ए ओ और ओ बी, यानी ये दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण इस त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं और उसके बीच के कोण के बराबर है। एक बार फिर से देखिए, ओ ए और ओ बी के बीच कोण यहां ओ बन रहा है, और उसी तरह से ओ डी और ओ सी के बीच ये कोण यहां बन रहा है, और ये क्रमशः एक दूसरे के बराबर है, यानी ओ बी ओ सी के बराबर है और ओ डी ओ ए के बराबर है, और इन दोनों के बीच बनने वाला ये कोण इन दोनों के बीच बनने वाले इस कोण के बराबर है। तो इसे आप भुजा कोण भुजा प्रमेय के आधार पर सर्वांग सम कह सकते हैं। तो इस कथन को हम लिखें कि इन तीनों शर्तों के आधार पर हम त्रिभुज ए ओ बी को सर्वांग सम कह सकते हैं त्रिभुज डी ओ सी के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। तो पहली बात जो हमें प्रूफ करनी थी, पहली बात जो हमें सिद्ध करनी थी कि त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी सर्वांग सम, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब सर्वांग सम होने की परिस्थिति में इनके जो बाकी संगत हिस्से होंगे वो कोण और भुजाएं भी हो सकती हैं, वो भी आपस में बराबर होंगी। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ए ओ बी में ये जो कोण ए है
वो त्रिभुज डीओसी के कोण डी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कोण ए की, इसे हम लिखेंगे कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ डी सी के, ओ डी सी के बराबर है। और ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये भुजा बी ए और सी डी, इन्हें यदि तिर्यक रेखा ए डी काटती है तब ये कोण निर्मित हो रहे हैं। और चूंकि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इससे बनने वाले कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण यदि बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि वो जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ए बी और सी डी समानांतर है। तो हम इसे भी लिख लें, ए बी समानांतर सी डी के। ये दूसरा कथन जो हमें प्रूफ करना था कि ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है, जो हमें यहाँ दिया हुआ था सिद्ध करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों चीज़ें सिद्ध होती हैं कि ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी सर्वांग सम है। और इस सर्वांग समता के आधार पर चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये तिर्यक रेखा ए डी सी डी और ए बी को काटती है, एकांतर कोण बराबर होने की वजह से आप ए बी और सी डी को समानांतर कह सकते हैं। तो ये आपने इनको समानांतर कह दिया। अब इसी प्रमेय को, इस सवाल को हम अगर हम गतिविधि के माध्यम से बताना चाहते हैं तो देखिए, हमने एक दो त्रिभुज का एक सेट बनाया है जो ठीक इसके बराबर है। अब देखिए ये जो हमने अलग से त्रिभुज इसमें लगाया, वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं, यानी जो इस शीट पर त्रिभुज बने थे उनके बराबर एक त्रिभुज हमने बना लिया है। अब इन्हें हम देखें कि ये एक दूसरे के सर्वांग सम है कि नहीं। ये हम इनको लेते हैं यहां से और इसे अलग कर लें। ये दोनों त्रिभुज इस तरह से थे और इनको हम मिलाते हैं। तो अब देखिए, इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है, तो ये संगत भुजाएं आपस में मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज को इस तरह से घुमाना पड़ेगा और इसको हम घुमा के एक दूसरे के ऊपर लाते हैं। देखिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ठीक ठीक ढक रहे हैं। पहले वाले त्रिभुज ने दूसरे को ढक लिया और अब हम इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो आप देख रहे हैं इसने भी पहले वाले को दूसरे वाले को अच्छी तरह से ढक लिया है। तो दोनों त्रिभुज गतिविधि के माध्यम से भी सर्वांगसम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें सैद्धांतिक रूप से बात करनी पड़ेगी जो आपके सामने है।